एक औरत ने अपनी बेटी की शादी की, दुल्हन लाई, बहू लाई, बहू आई। अब अगर बहू की सिर्फ लड़कियां हो रही है ना, तो ये जो औरत है ये मुनमुनाने लगती है सास, ये लड़का नहीं हो रहा, लड़का नहीं हो रहा। अरे शर्म नहीं आती, तू खुद औरत हो, बोले लड़का नहीं हो रहा। अगर लड़का नहीं हो रहा तो उसका क्या कसूर है भाई? लड़की हो रही है तो उस बहू का क्या कसूर है, या तेरे बेटे का क्या कसूर है? तो अल्लाह ताला का फैसला है। और अगर हम ये नहीं कहते इसमें कोई कसूरवार है, ना लड़का है ना लड़की, ये अल्लाह ताला की खिलकत है, अल्लाह ताला का फैसला है। लेकिन अगर कोई कसूरवार बनाना भी चाहे तो लड़के को बनाना चाहिए, लड़की को नहीं, शौहर को, बीवी को नहीं। इसलिए कि आज साइंटिफिक जो रिसर्च है, मेडिकल साइंस जो कहती है, वो ये कि लड़का पैदा होने के लिए शौहर के अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए। अगर शौहर के अंदर अल्लाह ताला ने वो क्वालिटी नहीं रखी है लड़का पैदा होने, तो लड़का नहीं हो सकता। तो अगर किसी औरत के यहां लड़का पैदा नहीं होता तो उस औरत के अंदर कोई माइनस पॉइंट नहीं है, बल्कि शौहर के अंदर कोई माइनस पॉइंट है। हम ये नहीं कहते ये माइनस पॉइंट ऐब है, हमने ऐब नहीं मानते उसको, ये तो अल्लाह ताला का फैसला है। लेकिन अगर कोई ऐब मानता है तो ऐब उसको कहां लगाना चाहिए? शौहर लड़के पे लगाना चाहिए, बहू पे तो ऐब नहीं लगाना चाहिए। तो ये जो सास होती है ना, जो बहू को ताने देती है कि लड़का नहीं हो रहा, लड़का नहीं हो रहा, इसको अगर ताना देना तो अपने बेटे को ताना दे। हम तो नहीं कहते ताना देने वाली कोई बात है, ये तो अल्लाह का फैसला है। लेकिन अगर उसको ताना ही देना ना, तो अपना जहन साफ करे, इसमें उसके बेटे का कसूर है, उसकी बहू का कसूर नहीं है। तो ये सास जो खुद औरत होती वो भी पीछे नहीं रहती है, जुल्म करने में वो भी दो कदम आगे होती है। तो अल्लाह ताला ने लड़की दिया या लड़का, हमें उसका इस्तकबाल करना चाहिए। एक आयत सुना के आगे बढ़ता हूं। अल्लाह ताला ने बहुत प्यारी बात कही है कि हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो और वही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर हो। और आगे कहा वह ऐसा अन तुहिब्बु शैयन, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो, वह शर्रुल लकुम, वो तुम्हारे लिए बहुत बुरी हो। वल्लाहु यालमु, अल्लाह जानता है, वह अंतुम ला तालमुन, तुम्हें नहीं पता। यानी अगर हमें अल्लाह ताला बेटा दे रहा है तो क्या वो हमारे हक में बेहतर है? हमें नहीं पता। बेटी दे रहा है वो हमारे हक में बेहतर है? नहीं पता। कभी कभी ऐसा होता है कि बेटियां बेटों से ज्यादा हमारे हक में मुफीद होती, और जब बेटियां होती हैं तो हमें उसका अंदाजा नहीं होता। बहुत सारी फैमिली में आप देख लीजिए जिसको अल्लाह ताला ने बेटे भी दिए हैं और बेटियां भी दिए, बेटों ने लात मार के भगा दिया उसको, उसका कोई ख्याल नहीं रखा, बीमार हुआ, परेशान हुआ, बुजुर्ग हो गया, जईफ हो गया, कोई ख्याल नहीं, सब शादी करके मगन है, कौन देखभाल कर रही है? बूढ़े आदमी की बेटी। ये बहुत सारी फैमिली में आप देखेंगे कि बेटियां आखिरी वक्त में अपने बाप की सेवा कर रही हैं, खिदमत कर रही हैं, बेटे आयश कर रहे हैं। होता कि नहीं हमारे मुआशरे में? तो बताओ कौन हमारे लिए ज्यादा मुफीद साबित हुआ? हमने जिंदगी भर अपनी जो पूरी जवानी थी, अपनी जो पूरी जो हमारी जो जफाकशी थी, हमने मेहनत से पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया बच्चों को, और बच्चियों पर भी हमने मेहनत की, लेकिन आखिरी वक्त में हमारे काम कौन आया? बच्चियां काम आ रही, और ये लड़के तो आयश कर रहे हैं, इनको कोई फिक्र ही नहीं हमारी। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि ऐसा अंत तक रहू शैयन, हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करते हो लेकिन तुम्हारे लिए भलाई उसी में हो, वही तुम्हारे लिए ज्यादा मुफीद हो, और जिसे तुम पसंद करते हो सकता है वो तुम्हारे लिए फितना हो जाए, तुम्हारे लिए बुरी चीज हो जाए। मैंने कितने लोगों को अपने बच्चों पे अफसोस करते हुए सुना है कि ऐसी औलाद से बे औलाद होना बेहतर है। कितने बाप को ये कहते हुए सुनने में आता है कि उनके बेटे इतना जुल्म करते हैं कि वो कहते हैं कि ऐसी औलाद से बे औलाद होना बेहतर है, ऐसे बेटे से जो है बगैर बेटे का होना बेहतर है।